गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स। वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी व्याकरण अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोर कार। आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक कॉपी निकालकर बैठें और इसे सुंदर तरीके से अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, जो अभी हम लोग श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, तो श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष शब्द का क्या अर्थ होता है? चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहां श्लेष अलंकार होता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है, पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। पट के दो अर्थ हैं। पहला पट मीन्स वस्त्र होता है और दूसरा पट मीन्स किवार। अब पहला जो अर्थ है पट यानी वस्त्र, यानी वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। और दूसरे पट शब्द का अर्थ है जिसका लिखा है किवार, यानी वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है, यानी किवार बंद कर लेता है। अतः श्लेष अलंकार का सौंदर्य है, श्लेष अलंकार का सौंदर्य है। सेकेंड जो अर्थ दिया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चहु ओर, सुवरण को ढूंढत फिरत, सुवरण को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। अर्थात देख सकते हैं इसमें कि उपयुक्त वाक्य में, काव्य पंक्ति में जो सुवरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इन पंक्ति में सुवरण का प्रयोग किया गया है, यानी सुंदर वर्ण, सुंदर वस्तु, सुंदर शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, जिसे सभी यानी कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुवरण के यहां तीन अर्थ होते हैं। कवि सुवरण अर्थात अच्छे शब्द, व्यभिचारी यानी सुवरण, सुवरण व्यभिचारी अर्थात अच्छा रूप रंग, और चोर भी सुवरण अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। यहां श्लेष अलंकार है। यहां कौन सा अलंकार हो गए? श्लेष अलंकार हो गए। नेक्स्ट देख सकते हैं, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब मधुवन की छाती को देखो सूखी इतनी इसकी कितनी कलियां, यानी यहां कलियां, कलियां शब्द के दो अर्थ है। कली कौल अधिकाली कली, कली के विकसित होने के पहले की स्थिति, कली के विकसित होने के पहले की स्थिति। और दूसरा देख सकते हैं जब यौवनावस्था यानी यौवन आने से पूर्व की दशा, यौवन आने से पूर्व की दशा इत्यादि देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं कि जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए,
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए। यानी बारे, यानी बारे शब्द का जो दिया है, यानी बचपन में, बारे शब्द का क्या हुआ है यहाँ, बचपन में कब उजियारो करे यानी जलाने पर, और दूसरा जो दिया है बढ़े, एक बड़े बारे दिया और दूसरा दिया बढ़े, तो बढ़े यानी बड़ा होने पर, बढ़ जाने पर, और बढ़े अंधेरा होए, बढ़े अंधेरे होए, अंधेरो होए, यानी बढ़े यानी बड़ा होने पर और अंधेरे होए माने बुझने पर इत्यादि दे सकते हैं। तो वे प्यारे बच्चों इसे श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे, पढ़कर इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। हम लोग HW की ओर चलेंगे। मानो होमवर्क में लिखेंगे, प्रश्न एक, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखें, सोदाहरण लिखें। जब आपके पास वीडियो जाए प्यारे बच्चों तो इसे पढ़ेंगे, पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लेकर आप अपने ग्रुप्स में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।